नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। इस वक्त की बड़ी खबर, लालू परिवार की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। नौकरी के बदले जमीन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के पहले से ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर पहले से ही आरोप लग रहे थे। अब इस केस में जो है एक नया मोड़ आ गया है और 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। आपको बता दें कि पहले से भी तेजस्वी यादव के गिरफ्तार होने की अटकलें सामने आ रही थी, हालांकि 9 जुलाई को वो वापस विदेश दौरे से बिहार आए, सत्र में भी भाग लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई होते हुए सामने नजर आ रही है। बात यह है कि अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि संपत्ति अटैच और संपत्ति जब्त में अंतर क्या है। संपत्ति अटैच जो है वो पहली प्रक्रिया है और संपत्ति जब्त जो है वो आखिरी प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले यदि आय से ज्यादा आपके पास संपत्ति पाई जाती है तो उसको प्रवर्तन निदेशालय अटैच कर लेता है, और खबर की जब पुष्टि हो जाती है यानी ठीक तरीके से जांच पड़ताल के बाद जब ये तय हो जाता है कि आपके पास अवैध संपत्ति है तो फिर उसके बाद उसको जब्त कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त की बड़ी खबर, लालू परिवार के ऊपर फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही जो है वो लोग कह रहे थे कि सरकार के बीजेपी के इशारे पर की जा रही है, लेकिन जो ये अवैध संपत्ति पाई गई है उसको अटैच किया गया है। खबर की पुष्टि होने तक प्रवर्तन निदेशालय इंतजार करेगी, जैसे ही पुष्टि होता है वैसे ही संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो इस वक्त 6 करोड़ की संपत्ति जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के पास से अटैच किया गया है। खबर जो है वो ये है कि पहले से ही इनके ऊपर लैंड फॉर जॉब मामले में जो है आरोप लगाए जा रहे थे। नौकरी के बदले जमीन लेकर के जब रेल मंत्री थे लालू यादव, तभी उन्होंने नौकरी के बदले जमीन जो है लिया था और उस वक्त नौकरी दी थी लोगों को, और कहीं ना कहीं अब उस केस में एक बड़ी चीज खुल करके सामने आ रही है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।